हेलो गाइस, मैं हूं अनस और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक कवर्ड बना रखी है। हालांकि यही कवर्ड सिमिलर कुछ हद तक बेसिक लेसन्स के दूसरे पार्ट में बनाई थी, ठीक है। तो उसी तरीके के सिमिलर कवर्ड है ये, साइज थोड़ा कम ज़्यादा है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या जानेंगे कि इस कवर्ड में एक्चुअल में बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, मतलब इसमें कितने बोर्ड लगेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये एमएम में है, जितने भी साइजेस हैं इसे हमें क्या करना है, फीट इंचेस में बदलना है ताकि हम सही से कैलकुलेट कर पाए और जोड़ के आगे वेंडर को बता सकें। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, व्यू में जाना है, एनिमेशन सेटिंग, एंड यहाँ पे है यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स लेंथ में जो है आप इसका चेंज कर दीजिए मिलीमीटर से फीट इंच में। तो आप देखिए सेम ये कन्वर्ट होके आ गया है, ठीक है। तो ये 5 फुट की कवर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 18 इंच का गैप है, ठीक है। ये 3 फुट 3 इंच का है। तो अभी इसमें क्या है कि यहाँ पे 3 पल्ले लगेंगे, 3 अलग अलग, ठीक है। तो इसे हम करते हैं, तो 3 अलग अलग कितने कितने साइज़ के हो जाएंगे, क्योंकि हमें पल्ले बाहर के इक्वल रखने हैं, ठीक है। ये देखिए, तो जो ये पल्ले हैं, एक एक पल्ला लगभग 1 फुट 7 इंच का बन रहा है, ठीक है। 1.7 इंच आ रहा है ये साइज़ में। मैं इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर देता हूँ, चलिए अब चेक करते हैं। तो ये 1 फुट 8 इंच का है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जगह यहाँ पे 1 फुट 7 इंच है, अब ये सही आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले ऐड करना है, तो हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस हिसाब से बनेगी, ठीक है। सबसे पहले तो इसके ऊपर पल्ले लगेंगे, तो यहाँ पे 3 पल्ले लगेंगे, ठीक है। तो वो पल्ले भी हम बना लेते हैं। इसमें मैंने क्या कर रखा है कि एक एक चीज़ को अलग कर रखा है, ठीक है। एक एक बोर्ड को मैंने अलग कर रखा है ताकि हम कैलकुलेट करते समय आराम से कर सकें, ठीक है। अब ये सारे पल्ले आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक एक्सेल पेज साथ में खोल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया है कि साथ में एक्सेल पेज भी खोल लिया है यहाँ पे, ताकि हम साथ के साथ लिखते चलें और साइज डालते चलें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 सेटर हो गए, जिनका हाइट होगी 8 फुट और चौड़ाई 1 फुट 8 इंच के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेटर नंबर 3, और लेंथ होगी कितनी, पहले लिख लेते हैं लेंथ, तो 20 इंची हम इंच में लिख लेते हैं सीधा, ठीक है। हाइट हो जाएगी हमारी 8 फुट की, तो 8 × 12 96, एंड यहाँ पे नंबर 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अब क्या करते हैं, साथ के साथ हम हाइट कर लेते हैं। पहले तो एक नॉर्मल एनिमेशन कर लेते हैं, नॉर्मल एड स्क्रीन, और अब इन तीनों को हाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए हाइड हो गया है, अब एक दूसरा ऐड स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज और इसमें कि ये किस साइज का आएगा। तो शटर जो होता है हमारा, ये 18 mm के उसमें बनता है, ठीक है। तो साथ के साथ हम लिखते चलेंगे कि हमें कितने इंच का थिक में चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं सबसे पीछे ये प्लाई, तो ये पीछे देख रहे हैं ये कम होता है, तो ये एक्चुअली में बैक कवर लिख लेंगे, हमें बैक प्लाई, बैक प्लाई हो जाएगा,
कितने एम एम है? 6 mm, ये 6 mm लगता है, ठीक है, 6 mm, 8 mm जो भी है। उसके बाद आगे चलते हैं हम इसमें, तो बैक प्लाई का साइज क्या होगा? तो ये भी हाइट तो 8 फुट हो गया, और जो ये हो गया टोटल लेंथ 5 फुट का है, तो 5 फुट ये हो गया, तो 12 25 60 इंची, और हाइट 96 इंची, ठीक है। तो होता ये है कि इन सब में ना, जैसे अब एक्चुअल में तो 5 फुट का आता नहीं है, या जो साइज आप चाहिएगा वो तो मिलता नहीं है, तो आता 4 फुट का है और हमें यहाँ चाहिए 5 फुट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें एक्स्ट्रा प्लाई चाहिए होगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज हम बाद में करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं साइड्स के, ये जो जैसे ये हमारे हैं 1 2 और 3, ये 3 साइड खड़े होंगे, ठीक है। तो साइड के और इसकी डेप्थ कितनी होगी हमारी? 2 फुट के, ठीक है। हम पूरा पूरा 2 फुट लेके चल रहे हैं, तो पार्टीशन लिख देते हैं, ठीक है। पार्टीशन होंगे ये 18 mm में होगा, और 3 लगेंगे यहाँ पे, तो इसमें नंबर 3 आ गए। हाइट हो जाएगा 8 फुट का ही, तो 96, और चौड़ाई होगी 2 फुट, मतलब 24 के, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो जो जो चीजें होती जाएंगी हम उन उन चीजों को हाइड कर देते हैं साथ के साथ। ये हमारा हाइड हो गया, ये भी हाइड हो गया, ठीक है। अब आते हैं नीचे, ये जो है ये हमारा बेस होता है, तो बेस में जैसे कि इस पे आते हैं हम, तो ये हमारा बेस होता है। कई जगह बेस पत्थर का नीचे बना होता है और कई जगह नहीं बना होता। अगर बना हुआ है तो ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे वो पत्थर का बेस बना हुआ है, ठीक है। तो आगे आते हैं, हम अपनी चीजों को यहाँ हाइड कर लेते हैं, और बैक वाला हाइड हो गया, ठीक है। अब ये बचा 1, और इस तरीके के 2 बचे, तो इसका साइज कितना हो गया? ये भी 2 फुट हो गया, और इसकी लेंथ हो जाएगी 5 फुट, ठीक है। तो पार्टीशन में ही और लिख लेते हैं हम, ये भी 18 mm बनेगा, ठीक है। सेल्फ यहां लिख लेते हैं, पी डॉट सेल्फ, ठीक है। ये 24 इंची डेप्थ, और लंबाई हो जाएगी 5 फुट, मतलब यहाँ 60 इंची, ठीक है। एक यहाँ पे ये एक ही है ये वाली चीज, तो इसे हाइड कर लेते हैं। अब ऐसी 2 चीजें हैं, ठीक है, तो हम इसमें ही लिखते हैं ये 18 इंच का, ये एक है, ये 18 mm में ही है, और इसकी लंबाई कितनी होगी? क्योंकि डेप्थ तो सबकी एक ही रहेगी, ये 3 फुट 3 इंच का है, ठीक है। तो ये 24, 3 फुट 3 इंच में हो गया 36, और 3 39, 39 इंचेस का, ठीक है। और ये हो गए 2। अब उसके बाद ये दोनों भी हाइड हो जाएंगे। अब ये छोटे छोटे सेल्फ हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हमारे पास हैं कितने? 1 2 3 4 5, और ये 6 है, ठीक है। तो हम नॉर्मल यहाँ पे सेल्फ लिख देते हैं, ठीक है। ये भी 18 mm में बनेंगे, और फिर उसके बाद इसकी जो साइज है वो कितना है? 1 फुट 7 इंच बाय 1 फुट 20 इंच, मतलब 1 फुट 8 इंच, ठीक है। तो हम एक बार देखें इसका, ये कम है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। तो हम इसे बढ़ा सकते हैं, हम 2 फुट ही लेके चलते हैं अभी हर एक चीज का, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, तो 2 फुट इसे लेके चलते हैं, मतलब 24 इंच, एंड चौड़ाई में 20 इंची लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम चीजों को हाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये चीजें हमारी हाइड हो गई, इन्हें भी हाइड कर लेते हैं,
तो ये हमारे पास थे एक्चुअल, ये मैंने लिखा नहीं, ये हमारे पास 6 है, ठीक है। बैक प्लाई हमारे पास एक ही उस साइज का है, इसे हटा देते हैं। अब देखिए, दो हमारे पास ना ड्रॉअर बचे हैं, ठीक है। तो ड्रॉअर के जैसे हमने पूरी कबर्ड के शटर्स बाहर लगाए, तो वैसे ही बाहर के हमारे पास पल्ले बचेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉअर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये भी 18 mm के उसमें बनेंगे। तो अब क्या है कि सबसे पहले तो इसका फ्रंट बनेगा, तो ये हमारा 1 फुट 7 इंच, जैसे कि हम 20 इंच ही लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है। और हाइट में 6 इंच का है, हम एक का लिखेंगे एंड दूसरे का अपने आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये 6 इंच हो जाएगा एंड 20 इंच ही हमारी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएंगे दो। इसके बैक का एरिया अब, ठीक है, वो तो हो गया। अब इसके बैक में देखिए कई चीजें हैं, जैसे ये दो साइड्स हैं, एक बैक है और एक बेस है, ठीक है। तो इसमें भी हम एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले बेस का साइज 20 इंची, और डेप्थ में 2 इंची हम लिख रहे हैं, 24 इंच। तो ये 24 और चौड़ाई 20, ठीक है। साइड का जो ये है, क्योंकि आपको क्वांटिटी में हर एक जगह को लेना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हम 24 लेके चल रहे हैं, और हाइट हम इसकी लेके चलेंगे 4 इंच का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पूरे रनिंग में ही ले लेते हैं इसे, जैसे ये 24 का रहेगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं हम, 24 24 का ही, 24 का, और ये 4 इंच, ठीक है, क्योंकि हाइट इसकी 4 है, और ये है एक्चुअल में 2 यहाँ है, तो टोटल आखिर 4 हो जाएंगे, ठीक है। 24 20 का जो ये है, ये हमारे पास 2 रहेगा दोनों ड्रॉर में, और ये बैक वाला जो है एक ही ये आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का ये और बीच में ये हो जाएगा कम, तो इसे हम 16 इंच का ले रहे हैं, ठीक है। तो 16 और ये 4 का बनेंगे कितने टोटल, 2, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक बार कंफर्म करता हूँ, जो ये बेस नीचे वाला है, ठीक है, ये बैक हो जाएगा, बैक ये साइड का हो जाएगा 24 और 4 साइड, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है, बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे। तो ये हमारी टोटल कवर्ड की चीजें आ गई हैं, ठीक है, हमने हर एक चीज को यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो अब आते हैं हम अपने एक्सेल फाइल पे सीधा। ये क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी जो टोटल 18 mm की है उसे एक जगह कर लेते हैं। तो इसे हम कंट्रोल एक्स और सबसे नीचे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, जो कि 6 mm की है हमारी। इन सबको एक साथ कर लेते हैं, डिलीट एंड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल करते हैं एंड इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ एंड मल्टीप्लाई इसे, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है कि टोटल को इसे 144 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये स्क्वायर इंच में बना है, उसे डिवाइड करेंगे हम। इसे भी यहां से हटा लेते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसे यस करते हैं, ये यहाँ डिवाइड आएगा, एंटर, ठीक है। तो ये 40 फुट आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम साथ के साथ यहाँ पे हमने एरिया भी निकालना आता है हमें कि कितना एरिया होगा, तो हम वो भी चीज़ भी कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन सबको सेंटर में कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, तो जो एक्चुअल में हमारा सेटर है, सेटर को तो चलिए रहने देते हैं, हम साइड्स वाले को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये जो पार्टीशन था हमारा 24 96 का, इसमें 3 पार्टीशन को मिला के हमें 48 स्क्वायर फीट आ रहा है, ठीक है।
तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, इसे सिलेक्ट एंड सिलेक्ट में जाके सीधे यहाँ एरिया हम देखेंगे सिलेक्शन, ठीक है। तो ये 15.59 स्क्वायर फीट है, मतलब 16, ठीक है, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, तीनों में हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से तो ये हमारे टोटल हो गए 48 के, ठीक है। तो हम अगर इसे यहां टोटल करेंगे तो 142.89 आता है, मतलब होल फिगर में लेके चले तो 143। और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे इक्वल टू डिवाइड, इसे सेलेक्ट किया फिर डिवाइड कितने से, 32 से। अब मैंने 32 से क्यों किया, क्योंकि हमें जो बोर्ड मिलता है एक्चुअल में वो 4 बाई 8 का मिलता है, 4 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा, ठीक है। तो इस बोर्ड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 8 जा 32, ठीक है। तो उस 32 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, जिससे कि आ रहा है 4.46। इसका मतलब आपको यहाँ पे 5 बोर्ड मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि आधा तो कोई काट के देगा नहीं, तो इसलिए आपको 5 बोर्ड यहाँ पे मंगाने पड़ेंगे। और इसी तरीके से ये, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल इसमें भी वही चीज होगी। इसे कंट्रोल सी करके यहाँ कर लेते हैं, तो ये 40 का स्क्वायर फुट आ गया, ठीक है। तो इसे भी अब एक ये करेंगे, तो ये देखिए 1.25 है, तो 0.25 बोर्ड तो कोई देगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे 2 बोर्ड मंगवाने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें ये एक ड्रेस बनाने के लिए 5 18 mm के बोर्ड चाहिए और 6 mm के 2 बोर्ड चाहिए, ठीक है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।